केदारनाथ मंदिर की कहानी। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया, तभी से यह स्थान मेरा चीर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चीर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे, इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय, बैल और भैंसे तो उनके पैरों के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आपको बता दें कि केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कातहूरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप, जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। उम्मीद है आप सभी को केदारनाथ तीर्थ के बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ से मिली होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो केदारनाथ की।